Welcome students, today we are going to begin lesson 8, the story of Proserpine from your textbook Blossoms. Okay, so देखो यहाँ पर क्या है. The story of Proserpine and Pluto is a mythical story that dates back to ancient Roman civilization. A similar story can be traced in ancient Greek mythology also. Handed down from generation to generation, myth is an imaginary narrative that tries to explain nature and its mysteries. तो ये कहा जा रहा है कि Proserpine और Pluto का ये जो mythological story है, ये ancient Rome में इसका जड़ जो है पाया जाता है. तब से ये कहानी चली आ रही है. ancient Greek mythology में भी ये कहानी है. और जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन जो है ये कहानी, मतलब बच्चों को बोला गया है, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में कहानी आ गया है. और मीथ क्या है? मीथ एक ऐसी इमेजिनरी कहानी है जो जेनरेशन से जेनरेशन में चली आती है और जो नेचर और उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है. तो देखो, Long, long ago, in the beautiful island of Sicily, there lived a goddess called Ceres. तो बहुत 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 साल पहले जो है, एक सिसिली बहुत ही सुंदर आइलैंड है, वहाँ पर एक देवी रहा करती थी, Ceres. She was the goddess of crops, plants and trees. So, on her depended the health and happiness of all the people of this wide world. और वो किस बात की देवी थी? वो क्रॉप्स, शस्य, प्लांट्स, पौधे, ट्रीज, तो इन सब की वो देवी थी. तो इसीलिए सबका खुशहाली, सबका स्वस्थ रहना, पृथ्वी का, पूरे इंसानों का जो है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था. क्योंकि अगर ये खुश नहीं रहेंगी तो पेड़ पौधे, फल फूल, क्रॉप्स जो है सब फेल कर जाएंगे, कोई कुछ भी अच्छा नहीं होगा. सेरेस हैड अ फेयर डॉटर Proserpine whom she loved more than her life. Ceres की एक बहुत ही सुंदर डॉटर थी जिनका नाम है Proserpine और जिन्हें वो अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यार करती थी. Proserpine was the brightest and loveliest of all girls. Proserpine बहुत ही सुंदर थी और बाकी सभी लड़कियों से भी बेहतर दिखने में थी और प्यारी भी थी. Her cheeks were rosy and beautiful like the apple blossoms in spring. उनके cheeks जो है, चिक्स यानी गाल, देखो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये जो है उनका चिक्स, देखो कैसा लाल लाल सा, रोजी सा है, एकदम सुंदर, एकदम एप्पल जैसा है. और एप्पल जो स्प्रिंग में होता है जैसे लाल लाल एप्पल, उनके चिक्स भी वैसे थे. हर आईज वेयर एज ब्लू एज द स्काई इन अप्रैल, और उनकी आंखें इतनी नीली थी जैसे कि अप्रैल में आसमान नीली होती है. Her long golden curls were as bright as the sunlight in springtime. और उनके घुंघराले golden बाल इतने सुंदर थे कि जैसे लग रहा है कि spring time का sunlight हो. All the radiant loveliness of springtime seemed to have taken the form of this fair maiden. और spring का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि तब ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी रहती है और ना भयानक सर्दी रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है. तो ये स्प्रिंग का जितना भी सौंदर्य है सब इसी लड़की में पाया जाता था. एवरीबडी सेड शी इज़ द स्प्रिंग, और सब इन्हीं को स्प्रिंग मानती थी. Proserpine हेल्प्ड हर मदर इन द फील्ड्स विद हर यंग कंपेनियंस. शी डांस्ड एंड सैंग व्हाइल गैदरिंग फ्लावर्स. Proserpine जो है अपने माँ को फील्ड्स में हेल्प करती थी और बाकी समय जो है वो अपने बाकी दोस्तों के साथ गान, नाच, ये सब करती थी और फूल इकट्ठा करती थी. अब देखो, फार डाउन द अर्थ दे आर लिव्ड डार्क प्लूटो किंग ऑफ द लैंड ऑफ द डेड. ही हैड ऑफन आस्क्ड सम गॉडेस टू कम एंड लिव विथ हिम बट नो गॉडेस वॉज विलिंग टू लिव अमंग द डेड. सो प्लूटो वॉज वेरी लोनली. आप जमीन के बहुत नीचे मृत लोगों का जो जगत है वहाँ का राजा था प्लूटो, और उस वो एकदम डार्क सा, अंधेरा सा जगत था. तो वो बहुत सारे देवियों से रिक्वेस्ट कर चुका था कि आप लोग आओ मेरे साथ रहो, लेकिन वैसे अंधेरे में कोई रहने को राजी नहीं था.
इसीलिए प्लूटो बहुत ही अकेला था। वन डे प्लूटो केम टू अर्थ एंड वॉज ड्राइविंग अलोंग इन हिज स्विफ्ट चैरियट। एक दिन प्लूटो जो है पृथ्वी में आया और वो अपने चैरियट में सवार होके कहीं जा रहा था। चैरियट यानी घोड़ा जो गाड़ी खींचता है। बिहाइंड सम बुशेज ही हार्ड वॉइसेज एंड लाफ्टर। ही वॉज क्यूरियस। ही स्टॉप्ड हिज चैरियट एंड वॉक्ड टू द बुशेज। तो कुछ झाड़ियों के पीछे उनको बहुत ही मीठी सुरीली आवाज़ और हंसी का आवाज़ भी सुनाई दिया। वो बहुत उत्सुक हुआ और उसने अपना चैरियट रोका और देखने को गया कि क्या है उन झाड़ियों के पीछे। देयर ही सॉ प्रोसरपाइन लाफिंग एंड प्लेइंग विद हर कंपेनियंस हु फॉर्मड अ सर्कल राउंड हर। तो वहाँ पर उसने प्रोसरपाइन को देखा जो कि खेल रही थी, हंस रही थी अपनी सहेलियों के साथ, जो उसके चारों तरफ उसकी सहेलियाँ एक सर्कल बनाई हुई थी और बीच में वो जो है खेल हंस रही थी। प्लूटो वॉज चार्म्ड एट द साइट ऑफ द लवली मेडन। ऐसे सुंदर लड़की को देख के प्लूटो को बहुत अच्छा लगा। ही लुक्ड एट प्रोसरपाइन एंड थॉट आई मस्ट मेक हर माई क्वीन। उसने प्रोसरपाइन को देखा और ये सोचा कि मैं इसको मेरा क्वीन बनाऊंगा ज़रूर। हर ब्राइट फेस विल मेक इवन माई डार्क किंगडम लुक ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। इसके इतनी सुंदर ब्राइट फेस जो है ये मेरे डार्क किंगडम को भी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल बना देगा। बट ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क द मेडन टू बी हिज क्वीन। लेकिन वो ये जानता था कि अगर इससे परमिशन लेने जाए, इसको पूछे कि आओ मेरा क्वीन बनो, तो ये सरासर ना कर देगी जैसे बाकी देवियों ने किया है। सो ही स्टेप्ड इनटू द सर्कल एंड कैरीड हर टू हिज चैरियट। इसीलिए वो किसी से कुछ बोला नहीं, पूछा नहीं, सीधा वहाँ चला गया, सहेलियों का सर्कल तोड़ डाला और उसको उठा के चैरियट में ले आया। द कंपेनियंस ऑफ प्रोसरपाइन वर फ्राइटेड एंड फ्लेड इन ऑल डायरेक्शंस। उसकी सहेलियाँ डर गई और चारों दिशा में भाग गई। प्लूटो डिपार्टेड विद द कैप्टिव मेडन इन हिज चैरियट। ही ड्रोव वेरी फास्ट। ही वॉज अफ्रेड दैट प्रोसरपाइन्स मदर सेरेस वुड सून अपीयर देयर इन सर्च ऑफ हर डॉटर। प्लूटो जो है अपने चैरियट में इसको प्रोसरपाइन को बंदी बना के बहुत जोर से भागा, क्योंकि उसको ये डर था कि प्रोसरपाइन की माँ कभी भी आ जाएंगी अपनी डॉटर को ढूंढते हुए। आफ्टर सम टाइम प्लूटो केम टू द बैंक ऑफ अ रिवर। एक नदी किनारे आया वो। द रिवर वॉज फुल टू द ब्रिम एंड ही कुड नॉट ड्राइव थ्रू द वॉटर। रिवर एकदम पूरा जो है भरा हुआ था पानी से और वो पानी में चैरियट नहीं ड्राइव कर पाता। टू गो इन अनदर डायरेक्शन वुड मीन लॉस ऑफ टाइम। आप वो नदी घूम के जाएगा तो बहुत टाइम नष्ट होगा, सेरेस कभी भी आती होगी। सो विथ हिज स्केप्टर ही स्ट्रक द ग्राउंड। इसीलिए उसका जो स्केप्टर है, स्केप्टर यानी एक मतलब किंग का एक बैटन सा होता है, एक ऑर्नामेंटल कुछ मतलब बैटन सा होता है जिससे वो किंग का पावर इंडिकेट करता है। तो वो स्केप्टर उसने जो है पानी को में लगाया, द ग्राउंड ओपन, पानी में नहीं ग्राउंड में लगाया, सॉरी पानी में नहीं ग्राउंड में लगाया। द ग्राउंड ओपनड एट वंस एंड द चैरियट हॉर्सेस एंड ऑल प्लांट्स इनटू द डार्कनेस बिलो। अब जैसे ही धरती में जगह हो गया, धरती का जो है ओपन हो गया धरती, वो अपना चैरियट अपने घोड़े सबके साथ वो उस अंधेरे में कूद गया। जस्ट एज द ग्राउंड वॉज क्लोजिंग ओवर हर, प्रोसरपाइन सीज्ड हर गार्डल एंड थ्रू इट फार इनटू द रिवर। शी थॉट दैट द गार्डल माइट रीच सेरेस एंड हर मदर वुड बी एबल टू ट्रेस हर लॉस्ट डॉटर। गार्डल यानी देखो ये सर पे जो है गार्डल, ऐसा मतलब बेल्ट और वेस्ट बैंड, यहाँ पर भी पहन सकता है कोई, यहाँ पर भी पहन सकता है हाथ में, जैसे यहाँ पे ऊपर में दिया गया है, ऐसे फूल से बना हुआ। तो उसने अपना गार्डल खोला और एकदम दूर पानी में फेंक दिया। उसको ये लगा कि शायद उसकी माँ जब ढूंढती हुई उसको आएगी तो ये गार्डल उनको मिलेगा और तब जो है वो अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। देखो एक्टिविटी वन, Goddess Ceres lived in the beautiful island of Sicily. Pluto was the king of the land of the dead. Everyone said that Proserpine was the spring herself. Pluto was charmed when he saw Proserpine. Pluto struck the ground with his scepter and it opened instantly.
true and false or supporting statement. Ceres had little role to play in the lives of the people on earth. ये false है और इसका supporting statement देखो यहाँ पर page 73 का यहाँ पर she was the goddess से लेकर of this wide world. यहाँ पर 2A इसका है supporting statement. 2B Ceres was extremely fond of her fair daughter. ये है true. यहाँ पर देखो Ceres had a fair daughter Proserpine whom she loved more than her life. ये है इसका supporting statement. When Pluto first saw Proserpine, she was helping her mother in the field. Number C, ये false है क्योंकि यहाँ पर देखो There he saw Proserpine, ये he में bracket में Pluto लिख देना है. There he saw Proserpine laughing and playing with her companions who formed a circle round her. ये supporting statement है. Number D, Pluto thought Proserpine's beauty would brighten his dark kingdom. ये true है. यहाँ पर देखो Her bright face will make my में भी bracket में Pluto लिख देना है My dark kingdom look bright and beautiful. Proserpine threw away her girdle because she did not require it in Pluto's kingdom. ये false है. She thought that the girdle might reach Ceres and her mother would be able to trace her lost daughter. ठीक है, ये हो गया supporting statements. अब cause and effect में आते हैं. नंबर वन में इफेक्ट प्लूटो लेड अ लोनली लाइफ. मैं थोड़ा पास में ले जाती हूँ. डिस्पाइट प्लूटोज रिक्वेस्ट टू नो गॉड इज वॉन्टेड टू लीव विथ हिम इन द लैंड ऑफ डेड. ये कॉज में लिखना है. डिस्पाइट प्लूटोज रिक्वेस्ट नो गॉड इज वॉन्टेड टू लीव विथ हिम इन द लैंड ऑफ डेड. सेकेंड वाला कॉज दिया गया है. प्लूटो हर्ड वॉइस एंड लाफ्टर बिहाइंड सम बुशेज. ही स्टॉप द चैरियट एंड वॉक टू द बुशेज. He stopped the chariot and walked to the bushes. Next वाला effect दिया गया है. The companions of Proserpine got frightened and ran away. Pluto stepped into the circle and carried Proserpine to his chariot. Pluto stepped into the circle and carried Proserpine to his chariot. Pluto drove his chariot very fast. इसका आंसर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है बिकॉज जगह नहीं था. प्लूटो वॉज एफ्रेड दैट Proserpine's मदर Ceres वुड सून appear देयर इन सर्च ऑफ her डॉटर. प्लूटो वॉज एफ्रेड दैट Proserpine's मदर Ceres वुड सून appear देयर इन सर्च ऑफ her डॉटर. द रिवर वॉज फुल टू द ब्रिम. विथ हिज scepter, प्लूटो स्ट्रक द ग्राउंड एंड इट opened. Then all plunged into the darkness below. One word देना है. A young unmarried girl, maiden, a horse-driven carriage or car, chariot, eager to know, curious, flowers, blossoms, grasped or caught tightly, seized, a waistband, girdle. The rose is said to be the loveliest of all flowers. ये लिखा गया है, ऊपर से लेना है, थोड़ा चेंज भी करना है इनको. कोलकाता is situated on the bank of river Hooghly. I could not trace the advertisement in yesterday's newspaper. When it rains, driving a car is not easy. प्लीज नोट द टाइम ऑफिस डिपर्चर फ्रॉम ऑफिस लास्ट सैटरडे. तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट यूनिट का वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द लौटूंगी. तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को पूरा देखना, एक लाइक कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स.